तो मैं गई थी मार्केट वाई वाई लेने, लेकिन मुझे करण नूडल दिख गया तो मैं ये नूडल भी लेके आई। ये बहुत स्पाइसी है मैंने सुना है, तो आज मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। जब मैंने इसे ओपन किया तो उसके अंदर मुझे चिकन का मसाला और ये चिली पेपर मिला। तो फटाफट से मैंने इसका गैस पर रख दिया था और बनाने के लिए फटाफट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जो चिली मेरा बचा हुआ था, मैंने ऊपर से इसके ऊपर डाला। मुझे ना ये थोड़ा गीला नूडल ही पसंद है, मैं ज़्यादा ड्राई नहीं बनाती हूँ। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और मैंने पहली बाइट ली, लेकिन काफ़ी गर्म था गाइस, क्या बताऊँ आपको। लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, जब मैंने पहली बाइट ली ना तो डायरेक्ट मुझे वो गले में जाके लगा स्पाइस। लेकिन नूडल इतना अच्छा था, इतना टेस्ट था, लेकिन स्पाइसी था, बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट था। मैं पहली बार इसे ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली नेपाली नूडल्स, नेपाली नूडल्स काफ़ी अच्छे होते हैं वाई वाई। आप कोई सा भी नेपाली नूडल लोगे ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। ज़्यादातर मैं नेपाली नूडल्स ही खाती हूँ और मैगी कम खाती हूँ मैं। तो मैं लेने गई थी ये, लेकिन मुझे मिल गया करण नूडल, लेकिन ये बहुत स्पाइसी है गाइस, सच में बहुत मज़ा आया खाकर। लेकिन मैं अभी बात करने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी खाने का मज़ा लेने वाली हूँ, लेकिन काफ़ी स्पाइसी है, अमेजिंग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू, बाय।